एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वेजिटेरियन फूड एट कियारा सोल किचन विच इज़ लोकेटेड इन GK2। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इनके पास क्या क्या वेराइटी है इन वेजिटेरियन फूड एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एम्बियंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लासी डेकोर है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है एंड काफ़ी इन्होंने न्यूट्रल कलर्स यूज़ करे हैं, वाइट ब्लूज एंड वुड का काफ़ी यूज़ करा है। एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड दैट इज़ कि यहाँ की लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मेरे लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड कॉस्ट फॉर टू इज अप्रॉक्सीमेटली 1400 INR फॉर टू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट टेस्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है, बहुत ही क्यूट से छोटे से दिखने वाले चीज़। एंड ये बेसिकली है मट्ठी, उसके ऊपर है योगर्ट एंड हमस, टैमरिन चटनी एंड गार्निश करा गया विद फ्लावर्स। जो भी ये चीज़ है बहुत ही मज़ा आ रहा है खा के, क्योंकि जो क्रंच टेस्ट आ रहा है उससे बहुत अच्छा लग रहा है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ अ पाइनएप्पल रवा वड़ा सूप एंड देखने में ये बहुत ज़्यादा फैंसी है एंड बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन भी है। आई वॉज इन डाउट कि मुझे ये टेस्ट में कैसा लगेगा, टेस्टी भी लगेगा या नहीं लगेगा, बट मुझे तो रसम डालते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो जो इसमें पाइनएप्पल है उससे जो एक स्वीट टेस्ट आ रहा है एंड जो रसम से एक टैंगी टेस्ट आ रहा है और जो वड़ा का जो क्रिस्पीनेस है, वो सारा जो मिला के जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी सारे बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स आ रहे हैं माउथ के अंदर। सो मुझे तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट इफ़ यू लव एक्सपेरिमेंटिंग विद योर फूड। सो इन स्टार्टर्स आई ऑर्डर्ड क्रिस्पी लोटस रूट भेल एंड देखने में ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है एंड आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी होने वाली है। इसमें अनियन, पीनट एंड टमेटोज का भी काफ़ी यूज़ करा गया है एंड आई हैव टू से मुझे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है एंड आई एम एन्जॉइंग द क्रंच जो इस लोटस स्टेम का है एंड जो ऊपर इन्होंने फ्लावर से गार्निश करा है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई हैव टू से कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस इस फैंसी रेस्टोरेंट में और इस फैंसी प्रेजेंटेशन के साथ तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई एम श्योर कि आप सभी लोग शाउट आउट का वेट कर रहे होंगे एंड इस बार शाउट आउट जाता है नियो अप्पू को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। इफ यू वॉन्ट शॉर्ट आउट्स लाइक दीज ऑन माई वीडियो दैन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन बिलो वॉट यू लव द मोस्ट अबाउट दिस वीडियो। इन मेन कोर्स मैंने टू इंटरेस्टिंग डिशेज ट्राई करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। फर्स्ट इज ब्लैक राइस विद ग्रीन थाई करी। ग्रीन थाई करी हमने अलग तो खाई है बट क्या ब्लैक राइस के साथ आपने कभी खाई है? एंड अगर मैं इसके प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटिफुल है। इसके ऊपर जो इन्होंने ऐसे फ्लावर लगाया हुआ है विद मेपल लीव, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। जो ये ब्लैक राइस है, अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो ये हमारे नॉर्मल राइस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड थोड़े से चुई भी हैं फॉर सम ऑड रीज़न, बट आप जब इसको रेड थाई करी के साथ खाओगे तो उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ राइस को खाओगे तो उतना अच्छा आपको नहीं लगने वाला, बट ओवरऑल मुझे ये डिश काफ़ी यूनिक एंड टेस्टी लगी। नेक्स्ट डिश जो है उसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा प्रिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। वाई? बिकॉज ये है स्प्राउट्स कोफ्ता विद स्पिनच ग्रेवी विद खमीरी रोटी। सो यू कैन सी कि इसमें स्पिनच हेल्दी है, स्प्राउट्स भी जो मैश करके अंदर कोफ्ते में डाली हुई है वो भी हेल्दी है और इसके साथ काफ़ी फ्लफ़ी खमीरी रोटी भी दी है। सो अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें स्पिनच का सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि ग्रेवी सबसे ज़्यादा मैंने उसी की ली है। स्प्राउट्स का ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा है एंड अगर आप उनमें से एक हो जिनको स्प्राउट्स पसंद नहीं है, अगर आप ये खा लोगे तो आपको स्प्राउट्स का टेस्ट आने वाला है ही नहीं। और इस पर मैंने अच्छे से प्याज और चटनी लगा के खाई। सो ओवरऑल मुझे इसका टेस्ट ओकेश लगा, इतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू अदर डिशेज जो मैंने ट्राई करी है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में। कियारा पे अभी तक जितने भी डिशेज़ मैंने ट्राई करी है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी फैंसी है एंड प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगी। सो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ यहाँ के फूड से, बिकॉज मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं करा था और इसलिए मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था कि मैं वेजिटेरियन फूड इतना ज़्यादा इन्जॉय करके खाऊँगी। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एंड ऑल्सो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने फूड भी ऑर्डर करा एंड आई क्वाइट एन्जॉयड इट। ऑनेस्टली आई हैव टू से आई वॉज क्वाइट फुल, बट मैंने ड्रिंक्स में ऑर्डर करा था इनका फ्रूटोहॉलिक जिसके अंदर एप्पल, पाइनएप्पल एंड आई गेस और भी फ्रूट्स थे विच आई डोंट रिमेम्बर, बट ओवरऑल जो इसका टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। एकदम से जो दिल्ली के अंदर गर्मी पड़ रही है ये ड्रिंक उसके लिए बिल्कुल एप्ट है। सो अभी मैं करती हूँ इस फूड को इन्जॉय एंड मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे फुल तो हो गई थी इस टाइम तक,
बट फूड इतना ज़्यादा टेस्टी था एंड इतने प्यार से खिलाया जा रहा था कि रुका तो जा नहीं रहा था। सो इन डिज़र्ट आई ऑर्डर्ड बेक्ड योगर्ट एंड देखने में अगेन ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई हैव टू से कि यहाँ के जो शेफ़ है वो अपने प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट रख रहे हैं एंड टेस्ट भी इक्वली मेंटेन्ड है। सो अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ सो यहाँ पे ये जो इन्होंने योगर्ट यूज़ करी जो कि बेक्ड आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है एंड इसके ऊपर जो इन्होंने ब्लूबेरी कंपोट डाला है उससे काफ़ी अच्छा एक स्वीटनेस आ रहा है एंड टैंगिनेस भी आ रहा है हल्का सा। और उसके ऊपर जो इन्होंने रोस्टेड या कैरमलाइज्ड आलमंड्स डाले हैं उससे एक काफ़ी अच्छा एक स्वीट एंड क्रंची फ्लेवर आ रहा है। सो ओवरऑल मुझे ये डिज़र्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा बट आई हैव टू से ये थोड़ी सी हैवी है एंड ये एक अकेला इंसान तो बिल्कुल फिनिश नहीं कर सकता। सो यू नीड टू हैव टू और थ्री पीपल जस्ट टू फिनिश दिस डिज़र्ट बट इट्स वेरी टेस्टी। आई हैव टू से मैं इस प्लेस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड फ्लेवर्स थे, काफ़ी ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन थी एंड जो हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे वो भी काफ़ी कमाल की है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा एंड इफ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।